देवे वाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जया मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद्भागवतम स्कंद एक अध्याय पांच। श्लोक संख्या 24। ओके तो नॉट 24 एट 28 प्रभु जी 28 28 ओके। इस प्रकार है इत्थं शरत् प्रावृक्षावृतो हरे विश्रिन्वतो मे अनुसवं यशोमलं संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिर् भक्ति ही प्रवृत्तात्मराज रजस्तमोपहा। शरत शरत मीन्स सर्दी का समय। शरत ऋतु। अब वो और वर्णन कर रहे हैं जब उन्होंने उनको संग मिला। चार महीने भक्ति वेदांतिस्टों की, तो उनके मिलने के बाद क्या क्या होता है उस विषय में बतलाया जा रहा है। कई सारी ऋतुएं आती हैं और अलग अलग ऋतुओं में जो है, यहाँ पर मेनली बारिश का तो मौसम चल ही रहा था जब मिले थे, यही समय था रेनी सीजन और ऑटम शरद, उसके बाद बारिश के बाद शरद। जब नवंबर से देखेंगे ठंड आ जाता है, कार्तिक की शुरुआत होती है तो शरद आ जाता है, शरद पूर्णिमा। ओके तो उसी के विषय में यहाँ पर इस श्लोक में बोला गया है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सुनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद इस एक प्रकार यस अनुवाद इस प्रकार वर्षा तथा शरद दोनों ऋतुओं में मुझे इन महामुनियों से भगवान हरि की धवल कीर्ति का निरंतर कीर्तन सुनते रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ज्यों ही मेरी भक्ति का प्रवाह होने लगा कि रजोगुण तथा तमोगुण के सारे आवरण विलुप्त तो हो गए। ओके यहां पर देखिए, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु दोनों ऋतुओं में मुझे सुनने का अवसर हुआ। मीन्स कहने का अर्थ है जो लास्ट महीना होता है वो शरद में प्रवेश कर जाता है, इसीलिए इन्होंने दोनों महीनों का वर्णन किया है। ओके क्योंकि जब तक शरद नहीं आता है उस समय तक ये
आप कार्तिक जो है, कार्तिक महीने में भी लास्ट फोर्थ मंथ जो है चातुर्मास्य का, वो शरद में जाते, यस। और उन्हें 4 महीने लगातार उन्होंने कीर्तन सुना, कीर्ति सुना भगवान का, और इसके कारण उनका तमोगुण और रजोगुण कम हो गया। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो क्या होता है, तदा रजस तमो भावा काम लोभा दयश्चये चेत इन एतैर अनाबिद्धिम ततो सत्वे प्रसिद्धति। मतलब जब हम भगवान की भक्ति में लगते हैं तो ये दोनों मोड्स जो कलयुग में सारे लोग में भरे हुए, तदा रजस तमो, क्योंकि कलयुग में लोग में, कलयुग के लोगों में रजोगुण और तमोगुण है। इसका लक्षण क्या है, काम लोभादयश्य, काम और काम मतलब बहुत सारे डिजायर्स, अनवांटेड डिजायर्स, अनलिमिटेड डिजायर्स, भौतिक इच्छाएं बहुत सारी होती हैं, और काम लोभा और ग्रीडीनेस पैशन, ग्रीडीनेस पैशन, ये दोनों चीजें मोड ऑफ पैशन से होता है, और तमोगुण के कारण तो व्यक्ति इनएक्टिव हो जाता है, सोता है, पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर वही बोल रहा है, ये दोनों गुण हरि कथा सुनने के कारण, भगवान की दिव्य कथाओं को सुनने के कारण, ये दोनों जो है समाप्त हो गए पूर्ण रूप से नारद मुनि। यस माता जी, तात्पर्य पढ़िए। यस, तात्पर्य परमेश्वर की दिव्य भक्तिमय सेवा प्रत्येक प्रत्येक जीव की सहज प्रवृत्ति होती है। यह प्रवृत्ति प्रत्येक प्राणी में सुसुप्त रहती है, लेकिन भौतिक प्रकृति के संपर्क के कारण रजोगुण तथा तमोगुण अनंत काल से इसे आच्छादित करते रहे हैं। यदि भगवान तथा उनके महान भक्तों के अनुग्रह से कोई जीव इतना भाग्यशाली होता है कि उसे विशुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो जाए और भगवान के निर्मल महिमा गान को सुनने का अवसर मिल जाए, तो निश्चय ही भक्ति का प्रवाह नदी के प्रवाह की तरह होने लगता है। जिस प्रकार नदी तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक वह समुद्र तक न पहुंच जाए, उसी प्रकार शुद्ध भक्तों की संगति से विशुद्ध भक्ति की धारा तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक वह चरम लक्ष्य अर्थात भगवान के दिव्य प्रेम तक नहीं पहुंच जाती। भक्ति का ऐसा प्रवाह रोके नहीं रुकता, अपितु यह असीमित रूप से अधिकाधिक बढ़ता जाता है। भक्ति का प्रवाह इतना सक्षम होता है कि कोई दर्शक भी रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार प्रकृति के ये दोनों गुण दूर हो जाते हैं और जीव अपनी मूल स्थिति को प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। सो इस तात्पर्य में मुख्यतः जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो बताया गया है, वो यह कि रजोगुण और तमोगुण कैसे व्यक्ति में समाप्त होता है, हम कैसे रजोगुण और तमोगुण को अपने जीवन से बाहर कर सकते हैं। तो इसके लिए जो तरीका बतलाया गया है वह है भगवान के विशुद्ध भक्तों की संगति, भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति, और उनकी संगति में भगवान के निर्मल महिमा का गान करना। श्रीमद् भागवत में आप आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो आगे श्लोक आता है, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। भगवान के भक्त, सताम मतलब भगवान के जो भक्त, जो सत सत के टच में, सताम को बोलते हैं, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। जब भगवान बोल रहे हैं, जब कोई व्यक्ति भक्तों के, शुद्ध भक्तों के संग में मम वीर्य संविदो, मेरे विषय में, मेरे सौर्य के विषय में, मेरे मेरी लीलाओं के विषय में श्रवण करता है, तो क्या होता है, श्रद्धा और भक्ति उसके अंदर डेवलप होती है, मतलब सतोगुण बढ़ने लगता है और रजोगुण कम होने लगता है।
श्रद्धा भक्तिर अनुक्रमिष्यति, अपने आप ये दोनों पीछे पीछे आने लगते हैं हमारे अंदर। तद जोशनाद, बोलते हैं कि ये रसायन की तरह काम करता है, एक श्लोक है रसायन की तरह, केमिकल। तो यहां पर विशेषता जो चीज बतलाई जा रही है कि भगवान की जो दिव्य प्रेमा भक्ति है, जब कोई व्यक्ति भगवान के भक्तों का संग करता है और भगवान के महिमा, दिव्य महिमा को सुनता है, तो उसके हृदय में, यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भक्ति का जो, भक्ति की जो प्रवाह है वो तेज हो जाती है। और वो प्रवाह कहाँ जाके मिलना चाहती है, तो बोलते हैं वो प्रवाह जो है भगवान के प्रेम, भगवान कृष्ण के जो चरण कमल है, उस नदी रूपी चरण कमल से मिलना चाहती, या कृष्ण प्रेम रूपी नदी से मिलने के लिए वो बिल्कुल तीव्र रूप धारण कर लेती है। अगर हम हर दिन नित्यम भागवत सेवया, और यह भक्ति का जो मार्ग है, भक्ति का प्रोसेस है, वो अगर हम रोज करें, तो रूपा जी लिख रहे हैं जिस प्रकार से नदियां समुद्र की तरफ भागती हैं मिलने के लिए, ओके, छोटी छोटी धाराएं नदियों में मिलना चाहती हैं, बड़े बड़े, बड़ी बड़ी नदियां समुद्र से मिलना चाहती हैं, उसी प्रकार से शुद्ध भक्ति जब किया जाता है, तो शुद्ध भक्ति की जो, का जो फ्लो होता है वो और बढ़ जाता है जब हम शुद्ध भक्त के साथ उस भक्ति को करते हैं। और तब फाइनली जो हमारा परम गोल है, अल्टीमेट गोल है, वो है भगवान नाम को प्राप्त करना, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करना। वहां तक जाए बिना वो रुकता नहीं है। जैसे नदियों को कोई रोक नहीं सकता है समुद्र से मिलने के लिए, जब गंगा समुद्र से मिलती है उसमें, इसको गंगा सागर जैसे बोलते हैं, तो उसी प्रकार से जब हमारी भक्ति की धारा शुद्ध भक्ति के द्वारा पुष्ट होती है, शुद्ध भक्तों की संगति में भक्ति करते हैं हम लोग, तो वह भगवान कृष्ण से बिना मिले रुकती नहीं। प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि भगवान की भक्ति का प्रभाव इतना स्ट्रांग होता है, इतना इतना प्रभावशाली, इतना मजबूत वो प्रभाव होता है भगवान की भक्ति ना, कि व्यक्ति भले ही मोड ऑफ पैशन रजोगुणी हो या तमोगुणी हो, ये दोनों गुण हमसे अलग हो जाते हैं। रजोगुण और तमोगुण तो उस प्रकार के इंप्यूरिटीज होते हैं, या बोल लीजिए नदी में कुछ ऐसी अशुद्ध चीजें हैं, अनवांटेड चीजें हैं, अगर वो नदी का जल स्थिर है, कोई करंट नहीं है, प्रभाव प्रवाह नहीं है, वो बोलते हैं मेटीरियल लाइफ, भौतिक जीवन। क्या है कि हमने रजोगुण तमोगुण को भर रखा है। रजोगुण के कारण क्या होता है, रजोगुण तमोगुण के कारण काम, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सारी चीजें। जब भक्ति की करंट नहीं लगती है, प्रवाह नहीं आती है, तो हमारा जीवन उस जलाशय के समान है जो स्थिर है। लेकिन जैसे ही उस नदी में करंट, भक्ति रूपी करंट हमारे जीवन में आता है, प्रवाह हमारे जीवन में आता है, ये रजोगुण तमोगुण रूपी अशुद्धियां स्वतः बहती हुई बाहर चली जाती है और व्यक्ति मुक्त हो जाता है, फ्री हो जाता है, मुक्त हो जाता है किससे, लोअर मोड से, निम्न कोटि के जो गुण है
प्रकृति के गुण जो हमको इस संसार में बांधे हुए हैं उससे हम वो दूर हो जाती है और व्यक्ति सतोगुण में स्थिर हो जाता, स्थित हो जाता। सतोगुण में स्थित हो जाने के बाद वह फिर से कंटिन्यू करता है भक्ति को और फिर वो शुद्ध सतोगुण में अवस्थित हो जाता है, जिसको बोलते हैं वासुदेव प्लेटफॉर्म। वासुदेव जी का जैसा हृदय है ना, उस वैसा हृदय हमारा हो जाता है, क्योंकि जब हमारा हृदय वासुदेव जी की तरह होता है तभी वहां पर भगवान कृष्ण का आविर्भाव होता है। मैंने आपको बताया था ना किस प्रकार से भगवान कृष्ण का आविर्भाव मदर माता देवकी के गर्भ में डायरेक्टली नहीं हुआ था, एज यूजुअल प्रोसेस है। भगवान वसुदेव जी के हृदय में अवतरित हुए, अवतार लिए, और वसुदेव जी के हृदय से वो देवकी माता के हृदय में अवतरित हो गए और फिर वहां से देवकी जी के गर्भ में चले गए। ये प्रोसेस है भगवान के अवतरण का। ओके, सो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है, हर एक व्यक्ति तमोगुण और रजोगुण का शिकार होता है। ओके, हर एक व्यक्ति, क्योंकि इन 24 आवर्स, ये 24 आवर्स डिवाइडेड है तीनों गुणों में। जैसे अभी का समय जो है वो रजोगुण में है, ये रजोगुण से अब शिफ्ट होगा तमोगुण में इवनिंग को, सनसेट के बाद, और तमोगुण लंबा रहता है ब्रह्म मुहूर्त तक, 3:30-4 o'clock तक ये चलता है और फिर शुरू होता है ब्रह्म मुहूर्त और वो चलता है 9 o'clock तक, उसके बाद रजोगुण की शुरुआत हो जाती है। तो व्यक्ति पर इन चीजों का प्रभाव होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो एसोसिएशन किसका ले रहा है। जैसे ही हम एसोसिएशन किसी बाह्य चीज का और भौतिक विषय वस्तु का लेते हैं, जैसे ही लेट सपोज हमारे पास मोबाइल फोन है और हम मोबाइल फोन में रजोगुणी या तमोगुणी विषय वस्तु से हम संपर्क साधते हैं, ओके, तो हमारा मन रजोगुण तो तमोगुण पर परिवर्तित हो जाता है। फिर हम उसी मोबाइल से सतोगुणी चीज से संपर्क करते हैं, हम सतोगुणी हो जाते हैं। तो भगवान की भक्ति के द्वारा 2400 घंटे व्यक्ति सतोगुण में रह सकता है, और वो तभी संभव है जब व्यक्ति हर समय भगवान के कार्यों में लगा रहे, भगवान के नाम का श्रवण, कीर्तन, कथाओं को सुने, भगवान का कोई भी कार्य करे जो भगवान से रिलेटेड है। और ऐसा करने पे क्या होता है, हम सतोगुण, शुद्ध सतोगुण के संपर्क में। एक और श्लोक हम लोग करेंगे, अनमोल श्लोक का श्लोक संख्या 29। तस्यैवं मे अनुरक्तस्य प्रश्रित्यस्य हतैनसः श्रद्धत्तदानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च। अब यहां पर बात की जा रही है, चूंकि नारद मुनि बालक के रूप में, तो बालक में क्या होता है, ऑब्वियसली बालक भी तमोगुण में होता है, इग्नोरेंट होता है, अज्ञानी होता है, लेकिन चूंकि नारद मुनि बहुत ज्यादा अब आसक्त थे, अटैच्ड थे किससे, भक्ति वेदांतिस्ट थे, शुद्ध भक्तों से, तो उनके सारे पाप दूर हो गए, सारे रजोगुण तमोगुण निकल गए, मतलब सारे पाप निकल गए, और उनके हृदय में स्ट्रॉन्ग फेथ, एक निष्ठा जागृत हो गई। निष्ठा और विश्वास, जो हम बोलते हैं श्रद्धा, श्रद्धा का अर्थ होता है कोमल निष्ठा, मतलब एक फर्म फेथ नहीं आया है, थोड़ा सा आपका विश्वास जागृत हुआ है, लेकिन निष्ठा मतलब कोई हिला नहीं सकता है आपके विश्वास को। ओके,
तो इनके हृदय में भगवान के विषय में श्रवण करते करते क्या हुआ, अब वो श्रद्धा बिल्कुल स्ट्रांग होकर के निष्ठा बन गई है और उनकी जो इंद्रियां है वो कंट्रोल में हो गई है। छोटे बच्चे की इंद्रियां कंट्रोल में, और वो मन से और शरीर से स्ट्रांगली अब फॉलो करने के लिए तैयार हैं भगवान की भक्ति का प्रोसेस। जैसे अब ध्रुव महाराज के केस में भी देखते हैं, मैंने आप लोगों को ध्रुव महाराज की तपोभूमि तपोस्थली का फोटो भेजा था, उस दिन आपने देखा होगा, वृंदावन में मथुरा के पास मधुवन है और वहीं पर मधुवन जो है वो ध्रुव महाराज की तपोभूमि। ध्रुव महाराज ने वहीं पर 5 महीने की तपस्या की थी जब वो 5 साल के थे और तब उन्होंने भगवान विष्णु के का दर्शन किया था। तो वो 5 वर्ष का वाइफ वहां भी वो 5 वर्ष के ध्रुव महाराज हैं, उन्होंने भी अपने सेंसेस को कंट्रोल कर लिया। ओके, और यहाँ नारद मुनि भी अपनी एग्जाम्पल को दे रहे हैं, अपने उदाहरण के द्वारा बतला रहे हैं कैसे भक्ति के द्वारा किसी भी इंच का व्यक्ति अपने इंद्रिय को संयमित कर सकता है। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। यस, नेक्स्ट रीडिंग। रानी माता जी पढ़ेंगी, रानी जसवाल। सॉरी प्रभु जी, मैं बाहर में हूँ। नो प्रॉब्लम। माला माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं उन मुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्त था, मेरा आचरण विनम्र था और उनकी सेवा के कारण मेरे समस्त पाप विनिष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी, मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था और मैं तन तथा मन से उनका दृढ़ता से अनुगमन कर रहा था। तात्पर्य श्री श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्री श्रील प्रभुपाद की जय। शुद्ध भक्त के पद तक उन्नत होने के इच्छुक व्यक्ति के लिए यही आवश्यक योग्यताएं हैं। ऐसे व्यक्ति को सदैव शुद्ध भक्तों का सानिध्य प्राप्त करने हेतु प्रयत्न करना चाहिए। उसे छन भक्त से भ्रमित नहीं होना चाहिए, स्वयं उसे भी शुद्ध भक्त से उपदेश ग्रहण करने हेतु सरल तथा विनम्र होना चाहिए। शुद्ध भक्त पूर्ण रूप से श्री भगवान की शरण में रहता है, वह श्री भगवान को ही परम स्वामी तथा अन्य व्यक्तियों को उनके सेवक के रूप में जानता है। मात्र शुद्ध भक्तों की संगति से ही लौकिक संगति से संचित होने वाले समग्र पापों से छूटा जा सकता है। नौ जिज्ञासु भक्त को शुद्ध भक्त की श्रद्धा पूर्वक सेवा करना चाहिए, उसे अत्यंत आज्ञाकारी होना चाहिए और उपदेशों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए। ये उस भक्त के लक्षण है जो इसी जीवन में सफलता प्राप्त करने हेतु दृढ़ प्रतिज्ञ है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सो यहाँ पर देखिए, नव दीक्षित या नव इच्छुक भक्तों को क्या करना चाहिए, तद विज्ञानार्थम, विज्ञानार्थम तो यहां पर बताया जा रहा है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वे, उनकी संगति अगर हमको मिल जाती है तो उससे हमारे जीवन में शुद्धता की प्रवाह जो है, शुद्धता की लहर आ जाती है और उस प्रवाह के द्वारा हम भी शुद्ध हो जाते हैं, हमारे समग्र पाप जो है वो खत्म हो जाते हैं। इसीलिए हर एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सगुरुम, मैं श्लोक बतला रहा हूं, एक मिनट रुक जाइए, सगुरुम, यस, कथा उपनिषद का एक श्लोक है, प्रभुपाद जी बराबर इस श्लोक का वर्णन करते हैं। वह श्लोक इस प्रकार है, मैंने उस दिन भी आपको बतलाया था, तद विज्ञानार्थम सगुरुम एवाभिगच्छेत,
श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। और भगवत गीता में भी बिल्कुल 4.32 भगवत गीता में एक श्लोक आता है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। आज के श्लोक से ये रिलेटेड है। दो चीजें कथा उपनिषद में एक बोला गया कि हमको अगर आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए तो हमको निश्चित तौर पर शुद्ध भक्त को अपना गुरु बनाना चाहिए। वी हैव टू, बनाना ही पड़ेगा अगर आपको चाहिए। अगर आपने नहीं बनाया तो आपको शुद्ध भक्ति नहीं मिलेगी, आपको भगवत तत्व ज्ञान नहीं मिलेगा, ठीक है। और शुद्ध गुरु के गुण के बारे में बतलाया गया है, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, वो व्यक्ति ब्रह्म में निष्ठ होता है, परम ब्रह्म में, भगवान में। और भगवत गीता के श्लोक में बतलाया गया है, तद विद्धि प्रणिपातेन, ऐसे व्यक्ति के समक्ष जाकर के हमको प्रणिपात करना चाहिए। प्रणिपात मीन्स दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तद विद्धि, उनके पास जाकर के, उनको जान करके, प्रणिपातेन और परिप्रश्नेन। यहां पर तीन काम बतलाया जा रहा है, हमको ऐसे व्यक्ति की शरण ग्रहण करनी चाहिए, फिर उनसे प्रश्न करने चाहिए, श्रद्धा पूर्वक विनम्रता पूर्वक प्रश्न करने चाहिए। ऐसे नहीं चुपचाप बैठ गए, कुछ पूछना ही नहीं है, विनम्रता पूर्वक क्वेश्चन आंसर्स करने चाहिए, परिप्रश्नेन। और थर्ड सेवया, आज भी यहां बोला जा रहा है, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनकी सेवा करनी पड़ेगी, हमको विनम्रता पूर्वक उनकी सेवा करनी पड़ेगी। यहां बोला जा रहा है श्रद्धा पूर्वक शुद्ध भक्तों की सेवा करनी पड़ेगी, उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, उनके उपदेशों को दृढ़ता पूर्वक का पालन करना पड़ेगा, समझ रहे। तो वो कहाँ पे है, वो निर्देश भगवत गीता में जो हम पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी जो मिलते हैं, वही निर्देश फॉलो करना है। और जो सबसे प्रमुख निर्देश है वो क्या है, भगवान के 16 नाम, भगवान के नाम का उच्चारण 16 times 16 rounds ये नियमित करके श्रवण करना, भगवान का प्रसाद खाना, 4 regulative principles जो 4 नियामक सिद्धांत, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, जिससे हम शास्त्र के सारे नियमों का पालन कर लेते हैं, उस चारों को फॉलो करते हैं, उन चारों को फॉलो कर, ओके। इस तरीके से हम प्रभुपाद जी के निर्देशों का पालन कर रहे हैं और प्रभुपाद की सेवा भी कर रहे हैं, ओके। यही आई थिंक वी हैव कवर्ड द श्लोक, यस। तो जन्माष्टमी का उत्सव आ रहा है, बहुत सारे भक्तों ने सेवा, जिन लोगों ने, कई लोगों ने भेजा है लेकिन उन्होंने अपने रेफरेंस नंबर या डिटेल्स नहीं दिए हैं, तो वो भेज देंगे, जिससे कि रिसिप्ट बनेगा और फिर प्रसाद घर पे जाएगा। मेरे पास बहुत सारे भक्तों का आ चुका है, ओके। जिन्होंने भेजा है तो डिटेल्स जरूर भेजेंगे, जब आप भेजते हैं तो आपको आता होगा सॉफ्ट, वो डिटेल्स होगा, रेफरेंस नंबर होता है, जिससे कि हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि ये नंबर आपने भेजा, ओके। उस प्रकार से रिसिप्ट बन के और अपना एड्रेस भेजेंगे। तो आज मैं ही लॉग आउट करूंगा, मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है, ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। कोई नंबर है जिसमें पैसे अकाउंट में डालने होते हैं, हमें भेज दो जरा ये। माता जी मैंने उसमें डाला था, आप ग्रुप में है ना? हाँ जी हाँ जी, मैं ग्रुप में हूँ, मुझे नहीं पता है, हो सकता है डिलीट वगैरह हो गया हो। तो मैं, माता जी मैं आपको अभी भेज देता हूँ, ठीक। हाँ जी हाँ जी हाँ, धन्यवाद प्रभु जी। और नहीं तो मैं हर्षिता माता जी आप अभी फिर से वो डाल दीजिए ग्रुप में, ठीक है, जो डिटेल है। और नंबर होगा ना कोई, जिस नंबर में डालने होते होंगे। हाँ माता जी, वो पूरा डिटेल ही है, स्कैन ही करेंगे तो अपने आप हो जाएगा वो। ठीक है प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। जो सेवा आता है ना, जिसमें स्कैनर भी है, है ना। और कुछ हो भी तो फोन करके आप सुदेश बता देंगे, आई थिंक आप नंबर ले लेंगे वहां से, और ग्रुप में है उसमें, ठीक है। माता जी इनको, माता जी को 1-to-1 में कि ग्रुप में ही पोस्ट करना? आप एक बार ग्रुप में कर दीजिए और 1-to-1 भी माता जी का। ग्रुप में कर देना, मुझे पता लग जाएगा, नहीं तो मैं आपसे पूछ लूंगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे भी नहीं मालूम, ग्रुप में ही करवा दीजिए।
ग्रुप में डाल, ग्रुप में डाल रहे हैं, आप देख लीजिएगा। और कुछ होगा तो हर्षिता माता जी ही हमारी कोऑर्डिनेटर हैं। ओके ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। सो हम लोग एंड करेंगे आज का क्लास। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, जय श्री बलराम एकादशी है, आप लोग को मैं भूल गया बोलना, कल एकादशी है, एकादशी जपा शुरू करेंगे, जपा यज्ञ, एकादशी जपा यज्ञ, ठीक है, कल चलेगा। मधु पंडित प्रभु 6 बजे से लीड कर रहे हैं, वो भी मैं लिंक भेज दूंगा, आप उनको भी लगा करके साथ में अपने अपने स्पीड में जप कर सकते हैं। 6 o'clock शुरू होगा। और 31 तारीख को बलराम जयंती, बलराम मीन्स आध्यात्मिक पथ पर, आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने के लिए या भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए बलराम जी अत्यंत आवश्यक है। उनकी कृपा नहीं मिलेगी तो हम भक्ति में नहीं बढ़ सकते। ओके, सो श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। भक्ति देवी वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।